हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड का नाम है, अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को। और पुलेला गोपीचंद इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कोच हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है के रामकृष्ण राव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच अजय वारियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और यूके के बीच अजय वारियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है साउदर्न इंग्लैंड में। और ये कौन सा एडिशन है? तो ये पांचवा एडिशन है अजय वारियर का, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? साउदर्न इंग्लैंड में। और यूके और ब्रिटेन में अंतर है, जैसे कि यूके में 4 देश आ जाते हैं और ब्रिटेन में बस 3 देश आते हैं। यूके में कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ दें और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को कहते हैं क्या? ब्रिटेन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्लिम फिस्कॉन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि क्लाइमेट चेंज इन फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोची, केरल में। और इस सम्मेलन में 12 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल नाम क्या रखा है? तो WHO ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम रखा है COVID-2019, यानी कि COVID-2019। कोविड का मतलब हुआ CO से हो गया कोरोना, VI से हो गया आपका वायरस और D से हो गया डिजीज। इससे अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 तारीख को, तो इससे अभी तक 1700 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है और टोटल केस जो है वो 70,000 से ऊपर हो गए हैं कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के केस। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये हर एक साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल 12 फरवरी से 18 फरवरी तक के बीच उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्टिविटी वीक कब से कब तक मनाया गया, तो 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हुक्का बार पर अस्थाई प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, यानी कि परमानेंट बैन लगाया जाएगा हुक्का बार पर? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा और हुक्का बार पर छत्तीसगढ़ प्रतिबंध लगाने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। पहला राज्य कौन बना था? महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर पंजाब और चौथा बनेगा छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, किस शहर में मनाया गया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया इस बार पहली बार अगरतला में, जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है। तो ये ध्यान रखिए, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है और आमतौर पर इसका आयोजन जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया जाता है हर एक साल, कब? तो दिसंबर में। और इस बार इसका पहली बार आयोजन किया गया त्रिपुरा में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले एयर इंडिया के CMD कौन थे? अश्वनी लोहानी, लेकिन अब नए CMD बन गए हैं राजीव बंसल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया इस बार मुंबई में और इसका थीम था, तो पिछले साल जो इसका आयोजन किया गया था इसका थीम एक बार पूछा गया हुआ था एक किसी एग्ज़ाम में,
तो आप इसका थीम भी ध्यान रखिएगा, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में मनप्रीत सिंह को चुना है, और यह सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, मनप्रीत सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार कहाँ पे किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और अंडर 19 वर्ल्ड कप ये जीता है बांग्लादेश ने, फाइनल में किसको हराकर, तो इंडिया को हराकर, और डकवर्थ लुइस नियम से बांग्लादेश ने जीता इंडिया से मैच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बांग्लादेश बीट इंडिया टू विन मेडन अंडर 19 वर्ल्ड कप, और ये बांग्लादेश का पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया या फिर कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रेडियो डे ये हर एक साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार इसका थीम क्या था, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया। तो जेरूसलम जो है ये किसकी कैपिटल है, ये है इसराइल की कैपिटल। तो पहला जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया मुंबई में ही, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, यानी कि बौद्धिक संपदा में इंडिया की रैंक क्या है 53 देशों में। पिछले साल भारत की रैंक कितनी थी, 50 देशों में, तो 50 देशों में भारत था 36वें स्थान पर, लेकिन इस बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा में 53 देशों की सूची में इंडिया का रैंक गिर गया है, और इंडिया का रैंक आ गया है 40, और पहले और दूसरे रैंक पे कौन है, अमेरिका, और दूसरे रैंक पे है ब्रिटेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में हरियाणा ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है मनोहर लाल खट्टर के 100 दिन पूरे होने पर, और इसके तहत 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 किस्त में, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में दिए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है और 5 एकड़ से कम भूमि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेंस डे, 13 फरवरी को मनाया जाता है, और ये दिवस किस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो यह दिवस सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिनको कि भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। किस राज्य की ये गवर्नर थी, तो ये यूपी की गवर्नर बनी, जो कि पहली महिला भारत की गवर्नर बनी थी। तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी इंपॉर्टेंट है, 13 फेब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा गया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और सुषमा स्वराज जी के नाम से एक और नाम चेंज किया गया है, क्या रखा गया है, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट यानी कि विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर रख दिया गया है अब, हाँ, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम हो गया है सुषमा स्वराज भवन, और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर रख दिया गया है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थिन माइंड मैप बुक, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक लिखी गई है धर्मेंद्र राय के द्वारा, धर्मेंद्र राय के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर के खंडेलवाल के द्वारा, और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो इस पुस्तक का विमोचन किया है मनोहर लाल खट्टर ने, और जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और यह पुस्तक वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के तौर तरीकों पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के खंडेलवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैंकर टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की सूची में सर्वोच्च स्थान
किसने हासिल किया है, पूरे वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं, जो टॉप 500 जो बैंक को इसमें शामिल किया गया है उसमें ब्रांड वैल्यू में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो किस बैंक में देखने को मिली है। तो इस बैंक का नाम है इंडस इंड बैंक जो कि भारतीय बैंक है, और इंडस इंड बैंक ब्रांड मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि के मामले में दुनिया भर के बैंकों की सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि पहले स्थान पर है, और इसका ग्रोथ जो है वो कितना हुआ 122% ग्रोथ के साथ। और जो आप देख रहे हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये चौथे रैंक पे है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 15वें रैंक पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुआ है और किसका जो निगेटिव ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा किसका है, तो बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया का सबसे ज़्यादा निगेटिव ग्रोथ है -68%, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक 122% का ग्रोथ रेट है। फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और बैंक ऑफ इंडिया टॉप 20 में तीन बैंक है भारतीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार किस राज्य में देश में लापता महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो इसके अनुसार देश में सबसे ज़्यादा लापता महिलाओं की संख्या है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और अगर यहाँ पे लापता महिलाओं की संख्या हमसे पूछा गया है तो महिलाओं की संख्या में सबसे अधिक है महाराष्ट्र में, यानी कि सबसे ज़्यादा महिला लापता कहाँ होती है, लापता का जो केस दर्ज होता है वो महाराष्ट्र में। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे ज़्यादा लापता की संख्या है मध्य प्रदेश में, ये हम बात कर रहे हैं 2016 से 18 के डाटा को देखकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन मिसिंग ड्यूरिंग 2016 से 2018, तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में। और अगर वहीं पर बात करें मिसिंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग 2016 to 2018, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और फिर बिहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित किया है। तो विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है मेजर अनूप मिश्रा ने, और इस बुलेट प्रूफ हेलमेट की खासियत ये है कि ये AK-47 के बुलेट को 10 मीटर की दूरी से रोक सकता है, यानी कि अगर कोई 10 मीटर की दूरी से बुलेट AK-47 से भी गोली मारे इस बुलेट प्रूफ हेलमेट पर तो कोई असर नहीं होगा, वो आदमी बच जाएगा। तो ये मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये हम बस बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं आदि गोदरेज, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो अभी हाल ही में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में, और ये इसमें जो दर्शकों की बैठने की संख्या होगी वो होगी 1500 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अतुल कुमार गुप्ता, जो कि एक CA हैं, और इनसे पहले कौन थे, प्रफुल्ल पी छाजेद, और अब नियुक्त किए हैं अतुल कुमार गुप्ता। वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो निहार निरंजन जम्बूसरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क किस शहर में शुरू किया जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मुंबई में शुरू किया जाएगा। अभी जो सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क है, मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में कितने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क लगाए गए हैं, तो अभी तक दिल्ली में हैं 38 मॉनिटर जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं जगह जगह पे। और मुंबई में टोटल कितने लगेंगे, तो मुंबई में के 90 जगहों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो बिम्स्टेक आपदा यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 का आयोजन किया गया पुरी में, और जिसमें कितने देशों ने भाग लिया, इसमें 5 देशों ने भाग लिया। किस किस देशों ने, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, भूटान और थाईलैंड जो कि बिम्स्टेक का ही पार्ट है, तो भूटान और थाईलैंड ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये NDRF द्वारा आयोजित बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज
2020 का उद्देश्य जो है वो क्या है, भूकंप या बाढ़ की स्थिति के दौरान तत्परता और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं अधिसूचना का प्रशिक्षण करना है कि कैसे बचे, उसके लिए प्रशिक्षित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा पूरी तरह से, तो इस राज्य का नाम है केरला। ये अभी घोषणा की गई है, वैसे बैन जो है ये कब शुरू होगा, नवंबर 2020 से, यानी कि नवंबर 2020 के बाद जो है कहीं भी केरल में नहीं CFL बल्ब बिकेगा और न ही फिलामेंट बल्ब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती, तो राष्ट्रीय स्नूकरशिप चैंपियनशिप जीती है आदित्य मेहता ने, किसको हराकर, तो पंकज आडवाणी को हराकर। और वहीं पे महिला की बात करें तो महिला ने राष्ट्रीय स्नूकर महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, तो विद्या पिल्लई ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ना मेंस लिखा हुआ है ना वेमेंस लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। तो विद्या पिल्लई ने किसे हरा कर जीता, अमी कमानी को हरा कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणस क्या है, तो प्राणस एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ये डेवलप किया जा रहा है DRDO के द्वारा, और जिसकी रेंज कितनी किलोमीटर की होगी, 200 किलोमीटर की, यानी कि मध्यम रेंज की है बैलिस्टिक मिसाइल होगी प्राणस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज किस शहर में बनाया जाएगा, तो भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा ऋषिकेश में, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और ये ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। और यह पुल 94 साल पुराने प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के विकल्प के तौर पर बनाया जाएगा, जिसको कि लक्ष्मण झूला को अभी बंद कर दिया गया है, तो जो लक्ष्मण झूला मतलब देख चुके हैं या फिर उस पर जा चुके हैं तो वो उनके लिए तो कोई नहीं, लेकिन जो नहीं गए हैं वो अब डायरेक्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज पर जाएंगे, बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, और यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिलाओं एवं बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो उनका योगदान है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया गया, तो वर्ल्ड यूनानी डे ये मनाया गया 11 फरवरी को, और यह दिवस महान यूनानी विद्वान हकीम अजमल खां की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह एक प्रख्यात भारतीय यूनानी चिकित्सक थे, और यूनानी मेडिसिन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, हिपोक्रेट्स के द्वारा रखी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि NIFM फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है, तो वित्त से आप संबंध लगा सकते हैं कि वित्त मंत्री कौन थे, हमारे अरुण जेटली जी थे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम अब हो जाएगा अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए अब 5-6 न्यूज़ है, और जितने सारे न्यूज़ हैं वो सुपर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ऑस्कर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो ऑस्कर से तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने यहाँ पे न्यूज़ लगा रखा है, तो वो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि 12 ईयर ओल्ड काम्या कार्तिकेन बिकम्स यंगेस्ट गर्ल टू स्केल माउंट एकानकागुआ हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। तो काम्या कार्तिकेन जो है सबसे विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है, जो कि मात्र 12 साल की है, जिसने साउथ अमेरिका के सबसे ऊंचे चोटी माउंट एकानकागुआ को क्लाइंब किया, चढ़ाई की, और माउंट एकानकागुआ की जो हाइट है वो कितनी है, 6962 मीटर, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब हम बात करेंगे ऑस्कर 2020 के बारे में, तो ऑस्कर 2020 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला जैकविन फोनिक्स को, किस मूवी के लिए, तो जोकर मूवी के लिए। वहीं पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, रेने जेलविगर को, किस मूवी के लिए, तो इन्हें मिला जूडी मूवी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर के बारे में, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया बोंग जून हु को, किस मूवी के लिए, तो पैरासाइट मूवी के लिए, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है, तो ये ध्यान रखिएगा।
फर्स्ट एशियन एंड साउथ कोरियन फिल्म मेकर बन गए हैं जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और वहीं पे अगर बात करें हम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के बारे में, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है ब्रैड पिट को किस मूवी के लिए, वंस अपन अ टाइम इन हॉलीवुड। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है लॉरा डर्न को किस मूवी के लिए, मैरिज स्टोरी के लिए। वहीं पे टॉय स्टोरी 4 को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। और पैरासाइट फिल्म इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह पहली नॉन इंग्लिश फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। और इस मूवी को टोटल 4 अवार्ड दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक ही अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म का। तो 4 अवार्ड कौन कौन से हैं, एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, फिर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है बोंग जून हु को, फिर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया, और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया पैरासाइट मूवी को। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि अमित पंघल को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 52 किलोग्राम के कैटेगरी में ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए फर्स्ट रैंक दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, ये बहुत सारे प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत सारे राष्ट्रपति आते हैं हमारे देश में, तो उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि कितने MOU पे साइन हुए, और एक ये पूछा जाता है कि क्या क्या हुआ, और एक ये पूछा जाता है कि अभी जो राष्ट्रपति या फिर जो प्रधानमंत्री आए थे इनका नाम ये है, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पोर्टुगाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डे सोसा, जो कि 4 दिन के भारत की यात्रा पर आए थे। तो इनका नाम आप बस ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन पूछ ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूज है, और लास्ट न्यूज है कि नारायण मूर्ति सन इन लॉ अपॉइंटेड एज यूके न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। तो यूके के नए फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री बने हैं कौन, इनका नाम है ऋषि सुनाक, जो कि इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के सन इन लॉ यानी कि दामाद हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन ओरिजिन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और प्रीति पटेल को होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अपॉइंट किया गया है। तो इन सारे चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो यह वीडियो का अंत, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और दो क्वेश्चन और था, या फिर जो दो न्यूज़ था वो और था, वो छूट गया, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कहीं पे लिख लीजिएगा या फिर ध्यान में रखिएगा कि CEA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, पुडुचेरी। देखिए, पुडुचेरी और दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है। तो पुडुचेरी जो है CEA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है, और पहला राज्य कौन बना था, केरल बना था। और तो एक न्यूज़ ये हो गया, और एक न्यूज़ ये है कि वन वेव नामक एक कंपनी है जो कि ब्रिटेन की एक स्टार्टअप कंपनी है वन वेव, जिसने 34 सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस रॉकेट से, तो सोयुज रॉकेट से। कहाँ से, तो कजाकिस्तान के बैकानूर से इसे लॉन्च किया है। तो दो न्यूज़ और था जो छूट गया था, तो ये आप कहीं पर लिख लीजिएगा। तो ये ऑडियो का अंत, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।